और ये विनती किससे? भगवान से। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा। ताली नहीं बजानी इस भजन में, बस सुनिएगा, ताली का भजन नहीं है। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, इस पापी युग में गो माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। हरिओ 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 हरिओ। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। धिक्कार उसे है जिसने माँ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अब गली गली में फैल रहे गो माता के हत्यारे। हरिओ हरिओ हरिओ। अब गली गली में फैल रहे गो माता के हत्यारे। हे काना ध्यान लगा कर सुन लो मैया तुम्हें पुकारे, मैया तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को। इस देश में भारत की कितनी बड़ी संस्कृति, कितने बड़े महान ये सभ्यता के हम लोग परिचायक हैं कि हमने गाय को अपने मां के रूप में स्वीकार किया। जिस देश में भगवान श्री राम का जन्म भी नंदिनी मैया कामधेनु नंदिनी मैया के कृपा से हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले उसमें से एक गौ माता है, 5 गौ माताएं उस समुद्र मंथन से प्राप्त हुई जो देवों को मिली। इस देश में दूध दी घी दही गौमूत्र गौमय गाय के गोबर से हमारे परिवार घर बने, गौमूत्र से अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक हुई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जिस देश में गाय को मां माना उसी देश में गौ का वध होता, उसी देश में गाय को काटा जाता। तो इसलिए एक बार फिर क्रांति की आवश्यकता है और इसलिए भगवान से विनती की, प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। उसको डाल दो, एक बार घुमा दो, उसको डाल दो सर। पता है प्यार होता है क्या।
उसने गाय से प्रेम किया। इस देश में जब आजादी मिली थी तो इस देश में मात्र 850 कत्ल खाने थे जिसका लाइसेंस उस समय की ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने दिया था क्योंकि अंग्रेजों का राज था, लेकिन कत्ल खाने इतने ही थे, अंग्रेजों के गाय मारने लगती थी। देश आजाद हो गया, आज 70 साल हो गए। मित्रों, देश का दुर्भाग्य ये कि इस देश में उस समय तो 800 कत्ल खाने थे, लेकिन आजाद भारत में 70 वर्ष बीतने के बाद में इस देश में लगभग 60,000 कत्ल खाने चलते हैं जिसका वैध लाइसेंस आज की भारत सरकार ने दिया हुआ। आजकल तो आप सबके पास में मोबाइल है, गाय के साथ में होते दुर्व्यवहार को आप लोग अपने मोबाइल में हमेशा देखते हो। संतों ने यह घोषणा की है कि इस देश में यदि गौवंश नहीं रहा तो भारत की ये हिंदू सत्य सनातन संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। शहर में रहता आदमी पाल नहीं सकता, लेकिन गौशाला में तो हम पाल सकते हैं। यदि तय कर देगी 11,000 में एक साल का गाय का खर्चा है, बोले गाय ब्याए या ना ब्याए, लेकिन मेरी तरफ से गौशाला में गाय पलेगी। 51,000, 51,000, 1,00,000, 2,00,000 की घोषणा मंच पे हुई है। आप लोग भी कोई गरीब लोग नहीं बैठे हो कि आपके जेब में कुछ है नहीं। बस मन से ही आदमी अमीर होता है, मन से गरीब होता है। कई बार बहुत अमीर आदमी भी मन से गरीब होता है, लेकिन कई बार बहुत गरीब आदमी भी मन खोल के बोले कि कुछ बिक जाएगा तो आधा बीघा जमीन बेच दूंगा, लेकिन धर्म के लिए तो मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। इस देश की राजस्थान की विशेषता है मित्रों, और इसलिए भगवान से और विनती की है। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की, परित्राण करो गौ धन का फिर से सजे मनोहर झांकी, सजे मनोहर झांकी। अब मेरे साथ आधी लाइन मैं बोलूंगा, आधी लाइन आप सभी लोगों ने बोलनी है। गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का दमन करो, यानी उनको समाप्त करो। इस देश में कोई भी गौ हत्यारा इस देश में नहीं रहेगा, उसकी भारत में रहने की कोई जगह नहीं है, और ये हिंदू समाज ने तय किया है। इसलिए मैं चाहता हूं जो जो इस बात के समक्ष खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, उनके हाथ उठ जाएंगे, और जिनके हाथ नीचे रहेंगे मुझे उस पर शक होगा। गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का, गौ हत्यारों का, गौ हत्यारों का दमन करो, या दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। श्री गीता में जो वचन दिया था आकर उसे निभाओ, हाथ में चक्र उठाओ, वरना न रहेगा मंजुल तुमको, बस वरना न रहेगा मंजुल तुमको, कोई न भजने वाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला।